हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल फैंटेसी क्रिक फैन का ऑफिशियल चैनल पर। तो गाइस, आज जो मुकाबला कवर करने वाले हैं बास्केटबॉल का, जो कि खेला जाएगा इस एमआईए वर्सेस एमआईएल के बीच में। तो गाइस, यहां पे बात करेंगे प्लेयर बाय एनालिसिस की एंड एक प्लेयर के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। तो गाइस, वीडियो में अंत तक बने रहना। उससे पहले, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो, ताकि इससे रिलेटेड हम और किसी भी दूसरी वीडियो को अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगी। तो गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं प्लेयर बाय एनालिसिस करने। तो गाइज, उससे पहले आप देख रहे हो फैंटेसी क्रिक फैन के टेलीग्राम चैनल को। तो गाइज, यहाँ पर आपको जुड़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। लाइनअप के बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा, जो कि लाइनअप के बाद जो भी चेंजेस होंगे फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना गाइज, या फिर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो फैंटेसी क्रिक फैन। यहाँ पर ऑलरेडी देख सकते हो 1222 लोग जुड़ चुके हैं। तो गाइज, यहाँ पर आपको भी जुड़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना, नीचे लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना गाइज। तो चलते हैं प्लेयर एनालिसिस करने। तो गाइज, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर एमआईए के टीम के बारे में, जो कि लास्ट मैचेस में स्टार्टर्स के, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे आपको यहाँ पर। और डी रिबॉन्सन मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर इन्होंने लास्ट मैचेस में 32 मिनट्स खेले थे, कुल यहाँ पर 23 पॉइंट दिए थे, 5 रिबॉन्ड दिए थे, अदर इन्होंने कुछ भी किया नहीं था। टी और उसकी बात करें तो गाइज, यहाँ पर इन्होंने 32 मिनट्स खेले थे, कुल 11 पॉइंट दिए थे, 2 रिबॉन्ड दिए थे, 3 असिस्ट दिए थे गाइज। और गाइस, बी एडवे के बारे में बात करते हो गाइस, यहाँ पर इन्होंने 28 मिनट्स खेले थे, कुल 17 पॉइंट देते, 4 रिबाउंड देते, 2 असिस्ट देते, 1 इन्होंने ब्लॉक किया था गाइस। और एम लियोनार्ड के बारे में बात करते हो गाइस, यहाँ पर इन्होंने भी 20 मिनट्स खेले थे, कुल यहाँ पर इनको 9 पॉइंट्स मिले थे एंड गाइस यहाँ पर 2 रिबाउंड्स किए थे यहाँ पर, और 1 इन्होंने असिस्ट किए थे गाइस। यहाँ पर जे बटलर की बात करते हो गाइस, 16 मिनट्स खेल रहे हैं, कुल 4 पॉइंट देते, यहाँ पर 6 रिबाउंड देते, 5 इन्होंने असिस्ट दिए थे गाइस। और ए ब्रेडली के बारे में बात करें तो गाइज, यहाँ पर इन्होंने कुल 28 मिनट्स खेले थे, कुल 12 पॉइंट दिए थे, 2 रिबाउंड दिए थे, 4 इन्होंने असिस्ट दिए थे गाइज। और जी ड्रैगी के बारे में बात करें तो गाइज, यहाँ पर इन्होंने भी 27 मिनट्स खेले थे, कुल यहाँ पर आपको 18 पॉइंट दिए थे, 2 रिबाउंड दिए थे एंड गाइज यहाँ पर इन्होंने इनको 9 असिस्ट मिले थे गाइज। बात करते हैं यहाँ पर लास्ट मैचेस के स्टार्टर्स की, तो यहाँ पर आपको यही 5 प्लेयर मिलेंगे जो लास्ट मैचेस में स्टार्टर्स किए थे। तो गाइज, यहाँ से आप ग्रैंडली या स्मॉली की कम्बिनेशन बना सकते हो। तो गाइज, अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरी टीम के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर एमआईएल के टीम के बारे में, जो कि लास्ट मैचेस में स्टार्टर्स किए थे। आपको यहाँ पर के मिडल्टन मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर इन्होंने लास्ट मैचेस में 32 मिनट खेले थे, 22 पॉइंट दिए थे, 4 रिबाउंड दिए थे, 5 असिस्ट दिए थे गाइस। एंड गाइस, आपको यहाँ पर जी एंटोनियो मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर लास्ट मैचेस में 32 मिनट्स खेले थे एंड कुल यहाँ पर 27 पॉइंट दिए थे, 13 रिबाउंड दिए थे, 5 इन्होंने असिस्ट दिए। गाइस, अपनी टीम की ओर से काफ़ी बेस्ट प्लेयर है, स्मॉल लीग में जरूर ट्राई करना गाइस। आपको यहाँ पर जे होल्डर मिल जाएंगे, जो कि लास्ट मैचेस में 28 मिनट्स खेले थे, कुल यहाँ पर 8 पॉइंट दिए थे, 4 रिबाउंड दिए थे, इन्होंने 5 असिस्ट मिला था गाइस। एंड गाइस, बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इस मैच में कुल 24 मिनट्स खेले थे गाइस। बात करते हैं यहाँ पर 24 मिनट्स खेले थे, यहाँ पर इनको 10 पॉइंट मिले थे, 2 रिबाउंड मिले थे, इन्होंने इनको एक यहाँ पर असिस्ट मिला था गाइस। कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं। और बी लोपेज के बारे में बात करें तो गाइस, यहाँ पर इन्होंने 21 मिनट्स खेले थे, कुल 6 पॉइंट दिए थे, 2 रिबाउंड दिए थे, उन्होंने 2 यहाँ पर ब्लॉक किए थे। ब्रेंच प्लेयर से बात कर लेते हैं। और बी प्रोटिस के बारे में बात करते हो गाइस, यहाँ पर इन्होंने 26 मिनट्स खेले थे, कुल 27 पॉइंट देते, 7 रिबाउंड देते, 2 असिस्ट देते, उन्होंने एक यहाँ पर ब्लॉक किए थे। तो गाइस, अब चलते हैं ड्रीम 11 टीम पर, वहीं पे आपको फाइनल टीम दिखा देता हूँ। और जो भी अपडेट टीम होगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना गाइस। तो गाइस, यहाँ से आप टीम सेव कर सकते हो, फाइनल टीम टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, यहाँ से आप टीम सेव करके कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। और जो भी फाइनल टीम होगा टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, या फिर विदाउट स्पेस फैंटेसी क्रिक फैन सर्च कर सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ना गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जब मिलता है अगले इस वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जाना, ताकि अगली वीडियोज़ में आपसे मुलाकात जरूर हो। तो वीडियो को छोटा सा लाइक भी कर देना हो सके तो, एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना गाइस। तो चलते हैं, मिलता है अगले इस वीडियोज़ में गाइस।